इन दिनों कोरोना महामारी अपना घातक रूप धारण कर चुकी है। एक और जहां अस्पतालों में जगह नहीं है, वहीं शमशान में भी दाह संस्कार के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आपसे दोपहर न्यूज के चेयरमैन नवनीत शुक्ला, जो कि खुद कोरोना पेशेंट हो गए थे, वे अपील कर रहे हैं कि यदि आपने यह छोटा सा प्रयास कर लिया तो मात्र 6 दिन में ही आप कोरोना को मात देकर अपने घर सकुशल लौट पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोपहर ग्रुप के चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव और सांदिक बार दैनिक दोपहर के वरिष्ठ प्रधान संपादक नवनीत शुक्ला, जिनकी आयु अभी 65 वर्ष से अधिक है, वे भी गंभीर कोरोना बीमारी के शिकार हो गए थे, जिनका करीब 1 सप्ताह तक ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम में इलाज चला। इनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था, संक्रमण भी काफी बढ़ गया था, बावजूद इसके इन्होंने मात्र 6 दिन में कोरोना को मात दे दी। और यही नहीं, वह अपनी बेटी के साथ खुद स्कूटर चलाकर 7 किलोमीटर दूर अपने घर आ चुके हैं और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आपसे भी विशेष अपील कर रहे हैं कि यदि आप या आपके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है तो घबराएं नहीं, कोरोना वास्तव में इसी तरह से आक्रमण करता है, उसे पहले ही बार में मात देना होगी, जिसके लिए आपको भरपूर खाना खाना होगा। इसी को लेकर नवनीत शुक्ला आपसे अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नवनीत शुक्ला, इंदौर से, मैं एक पत्रकार हूं और पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान मैं भी प्रभावित हुआ था, परंतु मुझे अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो बातें समझ में आई वो मैं चाहता हूँ कि हर उस परिवार तक जानकारी जानी चाहिए जो भी परिवार कोरोना से लड़ रहा है। पहली बात ये, जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो मेरे चेस्ट का संक्रमण जो है, संक्रमण वो 40% से ज़्यादा था लगभग, और मैं जिस दिन अस्पताल पहुँचा उस दिन से ही मेरा तत्काल शाम को भर्ती होने के बाद में ग्रेटर कैलाश में ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। मुझे अस्पताल जाकर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, जो पहले दिन से मुझे समझ में आ गई थी, कि वहाँ भर्ती होने के बाद जब आपको बुखार रहता है, जब आपका संक्रमण बढ़ता है, तो सबसे पहले आप पर हमला होता है खाने को लेकर। खाना आपसे बिल्कुल खाते नहीं बनता, खाने का टेस्ट खत्म हो चुका रहता है और यहीं से मरीज की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मैंने पहले दिन से ही समझ लिया था इस बात को कि अगर आपने खाना नहीं खाया और शरीर को लड़ने की ताकत नहीं मिली तो आप बेहद कमज़ोर हो जाएंगे। मैंने पहले दिन से ही, आपको आश्चर्य होगा, पहले दिन से ही मैंने पूरी डाइट ली, जितना भी जो खाना आता था अस्पताल का वो पूरा खाता था, कोई टेस्ट नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कच्चा आटा खा रहा हूँ। पर फिर भी उसके बाद में मैंने खाने में कोई कमी नहीं की, कुछ बिस्किट्स मेरे पास थे, कुछ मखाने थे, कुछ मूंगफली थी, ये मैंने बाकायदा मन मार के खाता रहता था मैं, और उसी के कारण ये हुआ कि मुझे अगले 3 दिनों तक कोई कमजोरी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत शुक्ला बताते हैं कि ना सिर्फ वे स्वस्थ होकर लौटे बल्कि उनके साथ 6 अन्य बुजुर्ग मरीज भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर उनके साथ ही घर लौटे हैं। और बढ़ जाती है, दूसरे तीसरे दिन आदमी इतना कमजोर हो जाता है दवाइयां खाने के बाद में कि वो उठ भी नहीं पाता, बस यहीं से उसको कोरोना का भय दिखने लगता है कि शायद उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। मैं उन तमाम मरीजों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो भी अस्पताल में, मैं मेरे साथ 6 और मरीजों को अस्पताल से बाहर लेके आया हूं, आपको आश्चर्य होगा उसमें 80% संक्रमण के लोग भी थे जिनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल पाए थे, फिर भी वो लोग स्वस्थ होकर बाहर आए। उसका एक ही कारण था कि डाइट उन्होंने इतनी पूरी ली थी ताकि डाइट के कारण वो लोग मेरे साथ ही सुरक्षित होकर बाहर आए। इसी के साथ में मैं सबसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके जैसे ही भर्ती होते हैं गर्म पानी पीना चालू करते हैं, ठंडे पानी को बिल्कुल बंद कर दें, दिन भर गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें आप, इससे आपके शरीर के अंदर जो है वो पाचन की प्रक्रिया भी अच्छी रहेगी और कफ साफ होने की प्रक्रिया तेजी से चालू हो जाएगी, खांसी नहीं होगी, आप खांसी भी आपकी रुकेगी। दोपहर ग्रुप के चेयरमैन श्री नवनीत शुक्ला बताते हैं कि यदि आपने यह छोटा सा काम कर लिया तो आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि संक्रमण तो आपके पास आएगा ही नहीं। कोरोना घातक और गंभीर बीमारी जरूर है लेकिन यह लाइलाज नहीं है, आपकी जरा सी सावधानी आपको सुरक्षित रख सकती है बल्कि अन्य के लिए भी एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा शायद जो अस्पताल से अपनी बेटी के साथ खुद स्कूटर चला के मेरे घर आया हूँ 7 किलोमीटर चल के, कोरोना मरीज होने के बाद 6 दिन बाद में। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं स्वस्थ होकर इस प्रकार से आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो, बशर्त आत्मविश्वास रखिए, गर्म पानी पीजिए, खाना भरपूर खाइए, पेट को खाली मत रखिए, मतलब अगर आपका पेट बहुत भरा हुआ रहेगा तो आप घबराइए मत, नुकसान कहीं नहीं होने वाला है कोई आपको, डॉक्टर खुद कहते हैं कि जो खाना हो खाइए। अगर आप अस्पताल में और आपको लगता है कि हल्दी का दूध गर्म मिल सकता है तो वो भी आप पीते रहिए जितना, क्योंकि एंटीबायोटिक तो खाते ही हैं, डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं, आप घड़ी घड़ी ऑक्सीजन को मत देखिए, आप केवल अपना पेट भरने की कोशिश करिए। अगर आप पेट भर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 दिन में आप इस शहर में जहाँ रह रहे हैं 6ठे दिन आप अपने परिवार से जाके आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। आशा है
आप अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाएं, जो भी लोग अस्पताल में हैं उस केवल डाइट नहीं लेने कारण, क्योंकि कारण क्या होता है अस्पतालों में खाने के लिए कोई ध्यान नहीं था, वो लाते हैं आपके टेबल पे खाना रख देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, खाया नहीं खाया, आधे घंटे बाद दूसरा आदमी आता है कचरे में आपकी थाली डाल देता है, उसको कोई मतलब नहीं। आप थाली को खाली मत जाने दीजिए, पूरी थाली खाली करके छोड़िए, भले मन मार के खाना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोरोना आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप सुरक्षित घर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जहाँ पे जो लोग हैं, जो परिवार हैं जिनके पास कोरोना में, वे लोग ये संदेश जरूर पहुँचाएं कि यदि अस्पताल में पहले दिन से अगर आपने डाइट पर पूरी ताकत से कंट्रोल कर लिया तो मेरा विश्वास रखिए 6 दिन के अंदर आप 3 दिन में आइसोलेशन में आ जाएंगे और 3 दिन बाद आप बाहर हो जाएंगे। 80% इन्फेक्शन होगा तो भी आप बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।